अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका भाई? आसिफ इकबाल जो है, हैदराबाद से ताल्लुक है जो है। अच्छा अच्छा, ये बताएं, जब अतिया खून दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छी बात है, खून देना चाहिए, ये सबका जारिया है। तो ये थैलेसीमिया के बच्चों को इंशाल्लाह हम आपका ब्लड जो वो लगा देंगे जो है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। जो है थैलेसीमिया के एक बच्चे ने बात बताई थी कि इस वक्त उन्हें अतिया खून की बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि थैलेसीमिया के बच्चों को हर महीने में दो दफ़ा ब्लड लगना ही लगना होता है, और इनकी ज़िंदगी का इनसार भी मुतवातिर मुंतकली खून पर होता है। लेकिन चूंकि सैलाब की वजह से जो है लोग जो है दिगर मसरूफियात में हैं, लेकिन चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, खिज़ा हो, बहार हो, सैलाब हो, या कोई भी मौसम हो, थैलेसीमिया के बच्चे हैं उन्हें जो है लाजमन जो अतिया खून की ज़रूरत होती है। और मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे एक जवान जो वो ब्लड भी दे रहे हैं। सलाम आए न मानू के जै जो जिगर दे कुरान वेरी गुड सलाम तो ये जवान है सलाम कर यकीन कर। क्या कहोगे ब्लड के हवाले से, हैं अतिया खून के हवाले से क्या कहोगे? घर को ना क्या कहेंगे बस। अच्छा, मुस्तहिक लोगों को लग जाएगा है ना जो है, अल्लाह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीछे जो है अतिया खून का कैंप लगा है, और जिस तरह खून जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसी तरह अतिया खून के ये कैंप्स भी जो है लाइफ सेविंग स्टेशन है। कि ये जो ब्लड जहाँ पर जमा होता है और किसी ज़रूरतमंद शख्स को लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है। और अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे थैलेसीमिया के बच्चों ने बताया था कि उन्हें अतिया खून की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त सैलाब की वजह से लोग जो है किसी और तरफ जो है तवज्जो है, और कैंप्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे, और वो जो मतलूबा तादाद में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और दिगर अमराज के लिए खून जो जमा होता था वो जमा नहीं हो रहा है। और जैसा कि आपको मालूम भी है कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी का इनसार मुतवातिर मुंतकली खून पर होता है, उन्हें हर महीने में दो दफ़ा ब्लड लगना ही लगना होता है। और इस वक्त चूँकि बड़ी मुश्किलात हैं और बड़ी परेशानियाँ, और हमने इस तरह की आगाही मुहिम भी शुरू की हुई है कि लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा करें कि वो अतिया खून देते रहें, क्योंकि अतिया खून देने से उनकी ज़िंदगी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चे और दिगर अमराज के जो बच्चे उनकी ज़िंदगी बच सकती है। कि बड़ी शॉर्टेज है और बड़ी मुश्किलात का शिकार है थैलेसीमिया के बच्चे, इसके अलावा दिगर अमराज में मुब्तला बच्चे अतिया खून के हवाले से। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अतिया खून दीजिए। हम बड़ी दूर से यहाँ पर ब्लड के लिए आए हुए हैं, लेकिन चूँकि रुझान नहीं है और परेशानी का भी सामना करना पड़ा हमें यहाँ पर, तो आप अतिया खून देंगे तो ये ज़िंदगियाँ बचाने के लिए काम आएगा, आपकी सेहत पे भी अच्छे असरात मुरतब होंगे और ज़िंदगियाँ भी बचेंगी। तो अतिया खून देते रहिए और ज़िंदगियाँ बचाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।